हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल का परमार बॉयज। इसे आप एक तरह से डेमो भी समझ लीजिए। कई सारे लोगों का के क्वेश्चन आए थे कि आपका जो कोर्स है उसमें आप किस तरह की पीडीएफ देते हैं। तो ये आपका पीडीएफ का फॉर्मेट रहेगा, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं टीच करता हूँ तो थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंट तरीका होता है पढ़ाने का, तो पीडीएफ का फॉर्मेट भी उसी तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिटेल में परमार वंश की जितने क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड चीजें बनाई हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। वीडियो का फॉर्मेट भी आपका कोर्स में यही रहेगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 7409287156 ये नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में कितनी 52 ठकुरी राजा रहते थे, और ये जो ठकुरी राजा थे यह आपका 52 गढ़ इनको बोला जाता है। तो 52 गढ़ों को देश, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा, चांदपुर गढ़। इसमें सबसे शक्तिशाली जो राजा था, राज्य था, वो था आपका चांदपुर गढ़। यहाँ पे जो राजा थे वो थे भानु प्रताप। 887 में यहाँ ये जो थे धार गुजरात का एक शासक था, कौन? कनकपाल। ध्यान आपको रखना है कि कनकपाल से ये कहानी शुरू होती है। तो कनकपाल जो थे वो राजा थे, और भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह क्या किया था, कनकपाल से कर दिया था, और उन्होंने पूरा जो चांदपुर गढ़ था वो दहेज में उन्हें दे दिया था। यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ से 888 ईस्वी में, देखिए 887 ईस्वी से शुरू हो रहा है और 888, ये 888, तो ये नंबर ही ऐसा है कि आप लोगों को डायरेक्टली याद हो जाएगा। 888 ईस्वी में कनकपाल द्वारा परमार वंश की स्थापना की गई थी, और उन्होंने जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी, चांदपुर गढ़ बनाई थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है आप लोगों के लखनदेव। ये 28वें राजा हुए थे। अभी हम इनके बारे में, जो परमार शासक है उनके बारे में पूरा इम्पोर्टेंट चीजों को जानेंगे। प्रथम परमार शासक जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त है, जो लखनदेव है वो क्या है, सबसे पहले वो शासक है, परमार शासक है, पवार शासक है, जो कि जिनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये कौन से थे? 28वें नंबर के थे। स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला वह पहला स्वतंत्र राजा था। उसके बाद आते हैं जगतपाल। जगतपाल पहला पवार शासक जिसका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। इनका जो पहला था वो कहाँ से मिला था? रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। इस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार कहा गया है। जगतपाल का जो नाम रखा गया है वो क्या था? रजवार रखा गया है। गढ़ नरेश अजयपाल। इसके बाद आते हैं अजयपाल। अजयपाल वो थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो 52 गढ़ थे उनका एकीकरण किया था, और फिर इसे गढ़वाल नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो गढ़वाल का जितने थे वो क्या, कितने? 52 गढ़ थे। गढ़ नरेश अजयपाल ये कितने थे? 37वां ये राजा थे, और 1490 की ये बात है। 1512 में अपनी राजधानी इन्होंने देवलगढ़ स्थापित की थी। ये चांदपुर गढ़ से कहाँ ले आए थे? देवलगढ़ तक। तो आप ध्यान दीजिए कि जो 36वें राजा थे वहां तक जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चांदपुर गढ़ में ही थी। और जो 37वां राजा था वो, उन्होंने देवलगढ़ इसे शिफ्ट कर दिया था। 1517 में राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी देवलगढ़ से। 1517, ध्यान रखिए 1512 1517, मीन्स 5 साल का इसमें गैप है। 1491 में चंद शासक कीर्ति चंद ने अजयपाल का से उनका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अजयपाल पराजित हुआ। पुनः 1495 में अजयपाल ने कीर्ति चंद को पराजित कर दिया, और कुमाऊं गढ़वाल के बीच में देवघाट सीमा निर्धारित की। तो देवघाट सीमा क्या हुई? निर्धारित हुई कब? 1495, जबकि ये दोबारा इन्होंने कीर्ति चंद को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। उपरूगढ़, उपरूगढ़ के युद्ध में अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था, इसलिए उसकी तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक से किसकी तुलना की जाती है? वो थे आपके अजयपाल। और क्यों की जाती है? क्योंकि उपरूगढ़ के युद्ध के बाद उन्होंने गोरखनाथ पंथ को अपनाया था। अजयपाल ने मापन प्रणाली धूली पाथा और धर्म पाथा शुरू की थी। दो ये प्रणालियां उन्होंने शुरू की थी, धूली पाथा और धर्मपाथा। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी पीठ की स्थापना भी की थी, अच्छी जगह है। और श्रीनगर में कालिका मठ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो राजेश्वरी पीठ की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। और श्रीनगर में कालिका मठ की स्थापना भी किसने की थी? अजयपाल ने ही की थी। अजयपाल के अन्य नाम, इनके कुछ और नाम से भी इनको जाना जाता है, जैसे कि युधिष्ठिर, आदि पुरुष, आदिनाथ और महात्मा।
महात्मा आप लोगों को पता चल गया होगा कि उन्हें क्यों कहा जाता था। और अब आते हैं सहजपाल, ये थे आपके 42वें राजा। सहजपाल ने 5 अभिलेख देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। इनके 5 अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग। इसके शासनकाल में अकबर ने गंगा स्रोत की खोज हेतु एक अन्वेषक दल भी भेजा था। कुशल राजनीतिज्ञ थे और कुशल प्रशासक भी थे। बलभद्र शाह, इसके बाद आते हैं बलभद्र पाल, सॉरी, ये थे आपके बलभद्र पाल, और इन्होंने ही सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए मैंने इनको बलभद्र शाह कहा था। लेकिन आपको क्या करना है, पहले इन्हें बलभद्र पाल याद रखना है, उसके बाद ही इनको शाह की उपाधि, क्योंकि इन्हें सबसे पहले धारण की थी तो ये बलभद्र शाह हो गए थे। परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वो शासक था जिसने इन्हें शाह की उपाधि दी थी। बलभद्र पाल ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा और तभी से यह परंपरा के रूप में हो गया। तो आपने देखा होगा कि आगे जाकर सारे क्या हो गए, शाह जोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। बलभद्र और रुद्रचंद के बीच में 1591 में बधानगढ़ ग्वालदम का युद्ध हुआ था, जिसमें रुद्रचंद की पराजय हुई थी। बलभद्र शाह को भीमसेन और बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इसके 2 नाम और हैं, बलभद्र बहादुर शाह और भीमसेन। दिल्ली सल्तनत में राजदूत भेजने की परंपरा भी इसके ही शासनकाल में शुरू हुई थी। फिर आता है मानशाह। मानशाह श्रीनगर में मानपुर की स्थापना की थी। मानशाह पर 7 बार लक्ष्मीचंद ने आक्रमण किए थे, पराजित हुआ। ये कुमायूं के शासक थे, ठीक है। इन्होंने कितनी बार, 7 बार आक्रमण किया था और ये पराजित होते रहे। जीतू बगड़वाल को भोट क्षेत्र का सेनापति बनाया था। जीतू बगड़वाल, जिनकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। मानशाह का दरबारी कवि भरत था। इनका जो दरबारी कवि था वो कौन था? भरत था। तो क्वेश्चन आ सकता है, भरत किसके दरबारी कवि थे? या इस तरह से आ सकता है कि मानशाह का जो दरबारी कवि था वो कौन था? जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। किसको? मानशाह को। मानशाह को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। भरत कवि ने मानोदय की रचना की थी, आप लोगों को याद रखना है। मानशाह के शासनकाल में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने भारत की यात्रा की थी। मानशाह की तुलना अजयपाल और दानवीर कर्ण से की जाती है। दानवीर कर्ण, मानशाह और अजयपाल से भी इसकी तुलना की जाती है। फिर आता है श्यामशाह। जहांगीर से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसका वर्णन तुजुक ए जहांगीरी किताब में भी मिलता है। श्यामशाह और जहांगीर। 1621 में आगरा में जहांगीर ने श्यामशाह को एक हाथी और एक घोड़ा भी भेंट किया था। 1621 में राजधानी में शामशाही बागान बनाया था। और इसके दरबारी कवि कौन थे? शंकर कवि और वास्तु शिरोमणि नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। इसके शासन में श्रीनगर के सबसे बड़े मंदिर केशव राय मठ का निर्माण शुरू हुआ था। इसके बाद आते हैं महीपति शाह। महीपति शाह ने माधो सिंह भंडारी को दापा एवं तत्पश्चात विषहर पर आक्रमण करने भेजा था। ये आप लोगों का तिब्बत का रीजन था। माधु सिंह भंडारी ने मलेथा में गुल का निर्माण करवाया था और इन्हें गर्भ भंजक की उपाधि इसीलिए मिली थी, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? गर्भ भंजक कहा जाता है। महपति शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महपति शाह को के कवि जो थे वो थे मौला राम, बहुत ही प्रसिद्ध है, तथा महाप्रचंड भुजदंड, उन्होंने इनको इनका एक नाम रखा था, महाप्रचंड भुजदंड इनका नाम रखा था। महारानी कर्णावती पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। आप लोगों को पता ही होगा इन्हें नागकटी रानी थी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब नवाजत खान ने 1635 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो कर्णावती ने उन सभी की नाक काट दी थी, इसलिए इन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो महपति शाह थे उनके बाद कौन आए हैं? पृथ्वीपति शाह आए हैं। उस टाइम पृथ्वीपति शाह क्या थे? छोटे थे और वह उनकी संरक्षिका थी। तो सोचा कि जो दिल्ली के सम्राट थे उन्होंने सोचा कि जाके गढ़वाल को क्या कर दिया जाए, कैप्चर कर दिया जाए। लेकिन नवाजत खां जब यहाँ, तो ये भी कहा जाता है कि उसने वापस जाकर सुसाइड कर दिया था, क्योंकि उन सभी की नाक काट दी गई थी। रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर की स्थापना की थी। रानी कर्णावती की तुलना गोंडवाना की रानी दुर्गावती से की जाती है। पृथ्वीपति शाह ने 1658 ईस्वी में दारा शिको के पुत्र सुलेमान शिको को शरण दी थी। इसकी वजह से भी दिल्ली से उनके संबंध खराब हो गए थे। दून घाटी में पृथ्वीपुर की स्थापना इन्होंने की थी। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया एवं अपने
पुत्र दिलपत शाह को वहां का शासक बनाया था। फतेहपति शाह एवं गुरु गोविंद सिंह के बीच में पोटा के समीप भंगाड़ी में युद्ध हुआ था, और यह युद्ध ना होकर एक कंफ्यूजन था, बट इसे युद्ध का नाम दिया जाता है। और फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें जटाधर, रतन कवि और मतिराम प्रमुख थे। इसने सिख गुरु गुरु राम राय को दून में गुरु द्वारा निर्माण के लिए 3 गांव भी दान दिए थे, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। डबराल जी ने अजयपाल और मानसिंह के बाद फतेहपति शाह को गढ़ राजवंश का तीसरा महान राजा माना था। उसके बाद आते हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह के शासनकाल में मेधाकर शर्मा और रामायण प्रदीप की रचना की गई थी। इसके मंत्री चंद्रमणि डंगवाल को मंगलेश्वर मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। चंद्रमणि डंगवाल ने मंगलेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। मोलाराम द्वारा निर्मित प्रदीप शाह के चित्र उत्कृष्ट हैं। हम लोगों ने ये देखा, उन्होंने प्रदीप शाह का क्या किया था, चित्र बनाया था। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से धामूवाला स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद आते हैं प्रद्युम्न शाह, काफी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र पवार शासक जिन्होंने कुमायूं गढ़वाल दोनों पर राज किया था, ध्यान दीजिए। और इनका जो जब ये कुमाऊं में शासन कर रहे थे तो उन्हें प्रद्युम्न चंद के नाम से जाना जाता था। 1791 में असफल गोरखा आक्रमण किया। 1790 में कुमाऊं जीतने के बाद उन्होंने 1791 में एक गोरखा आक्रमण हुआ था, और 1795 में वे गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसे इकावनी बावनी का नाम भी दिया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि इकावनी बावनी क्या था, तो ये एक भीषण अकाल था और इसी का फायदा बाद में गोरखा लोगों ने उठाया था। संवत 1851-52 की बात है। 8 सितंबर 1803 के विनाशकारी भूकंप ने गढ़वाल को तहस नहस कर दिया था, और इसी का फायदा उठाते हुए सन 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण किया गोरखा सेना ने, और 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण किया। और खुड़बुड़ा के युद्ध में जो प्रद्युम्न शाह थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। गोरखाओं के आक्रमण के दौरान गढ़वाल की जनता ने राजा का पूरा सहयोग दिया। राजा ने अपने सभी आभूषण बेचकर सेना तैयार की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गोरखा शासक जो थे कुमायूं पर जो शासन किया इन्होंने, गोरखा शासन की हम बात करें तो 1791 से 1815 तक कुमाऊं पर था, और 1804 से 1815 तक ये गढ़वाल पर हुआ। इस शासन को गोरख्याली नाम से भी जाना जाता है। सॉरी फिर आता है संगोली की संधि। संगोली की संधि इंपॉर्टेंट है। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई, और अब गोरखाओं का केवल अधिकार जो था वो कुमाऊं रीजन पर रह गया था। गढ़वाल स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, संगोली संधि के बाद में। 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर नेपाली गोरखा शासक बमशाह के बीच एक संधि हुई, और कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। 3 मई 1815 गार्डनर कुमाऊं के क्या थे, कमिश्नर थे। इसके बाद 28 नवंबर 1815 को संगोली जो अब कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये संगोली है कहाँ, ये बिहार के चंपारण जिला में हुई थी ये संधि, जिसको नेपाल सरकार नहीं मान रही थी। तो अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके गोरखाओं को वहां पर परास्त किया, और मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार कर ली। उसके बाद आते हैं सुदर्शन शाह। ब्रिटिश शासन की सहायता से 1815 में सुदर्शन शाह ने खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया। 28 दिसंबर 1815 को राजधानी टिहरी बनाई गई। ये कहाँ से ले गए थे, श्रीनगर से, क्योंकि ये जो एरिया था ये अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। चैतू और मानकू इनके दरबारी कवि थे। सभासार नामक एक काव्य की रचना इस टाइम पे की गई, चैतू और मानकू, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। भवानी शाह उसके बाद आए, और देवप्रयाग में एक हिंदी संस्कृत पाठशाला का इन्होंने शुरुआत किया था। तो हिंदी संस्कृत पाठशाला भवानी शाह, इसके शासन काल में ही। अब आप लोगों को अगर ये जो फैक्ट पूरे मैंने बताए हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो सीधी सी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इसे जो स्टडी करेंगे वो करेंगे आप फ्लैश कार्ड से। तो आपको काफी सारे फ्लैश कार्ड इसको पूरी पीडीएफ के बनाने हैं, जहां जहां जैसे कि आपको यहाँ पे मिल गया भवानी शाह, तो आप एक साइड भवानी शाह लिख लेंगे, और इसी के दूसरी साइड जो लिखेंगे वो लिखेंगे हिंदी संस्कृत पाठशाला, ठीक है, देवप्रयाग। तो आप लोगों को ये एक टेस्ट की तरह ये काम करेगा। आगे चलते हैं। इसके शासन काल में ही 1861 में हेनरी रेमजे ने अठुर के कृषकों को 12 आना बीसी की भूमि व्यवस्था की थी।
प्रताप शाह, इसके बाद में आते हैं प्रथम अंग्रेजी स्कूल। तो नेक्स्ट जो आपका कार्ड आप बनाएंगे उसमें लिखेंगे प्रताप शाह, उसके पीछे आप लिखेंगे प्रथम अंग्रेजी स्कूल, तो होगा प्रताप शाह। और कब किया था? 1883। तो उसे 1883 भी आप लोग लिख सकते हैं उसके पीछे। तो कार्ड्स बनाइए और अच्छे तरीके से आप लोगों को हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी प्रताप शाह ने की थी। खेड़ पाला और विशाह नामक करों की समाप्ति इन्होंने की थी। कौन कौन से? खेड़, पाला और विशाह। तो कई बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशाह क्या है, ठीक है, तो ये एक तरह का कर था। या पाला क्या था? ये एक तरह का कर था। किसके टाइम में था? प्रताप शाह के टाइम में था, उन्होंने इसे खत्म कर दिया था। टीरी के सामने ही प्रताप नगर उन्होंने बसाया था जो कि आज भी है। कीर्ति शाह कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की थी। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया जाता है। देखिए संस्कृत पाठशाला आप लोग लिख सकते हैं, कार्ड्स आप लोग बनाते चलें, कैंपवेल बोर्डिंग हाउस यहीं पे आप कीर्ति शाह इसके पीछे लिखेंगे। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किसानों हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना इन्होंने की। घंटा घर का निर्माण करवाया। कीर्ति नगर की स्थापना करवाई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दिल्ली दरबार में CSI की उपाधि दी। अब इसको याद करने का एक और तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कीर्ति शाह है, आपने कीर्ति शाह लिखा और इसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, इनके काम लिख लेंगे। तो आप इसे पिक्चराइजेशन मेथड से याद रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल बना लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए दास। तीसरा लिख लीजिए बैंक, इन्होंने एक बैंक बनाया। उसके अलावा घंटाघर, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए घंटाघर। और हिब्रिड, हिबेट ब्रिज आप लोग इसे लिख सकते हैं, हिबेट ब्रिज लिख सकते हैं। और CSI, और यहाँ पे करेंगे CSI। अब देखिए अगर आप इसे पिक्चराइजेशन से याद रखेंगे तो यहाँ पे संस्कृत पाठशाला भी लिख लीजिए, हो गया संस्कृत पाठशाला। अब इसे अगर आप एक बार घूर के देखेंगे, बहुत ध्यान से इसे देखेंगे और एक दो बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ये सारा जो ये पिक्चर है ना, ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार के लिए स्क्रॉल कर दूं नीचे को और आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि कीर्ति शाह के लिए मैंने यहाँ से क्या क्या चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे दास लिख दिया था, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे आपका संस्कृत लिख लिया था, इसी तरह से आप लोगों को चलते जाना है। जैसे यहाँ पे CSI लिख दिया था, तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में अपना एक रिविजन भी कर सकते हैं। फिर आता है नरेंद्र शाह। 1920 में इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना की थी। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की थी। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया था और नरेंद्र नगर की स्थापना इन्होंने की थी। इसी समय 30 मई 1930 को रवाई कांड घटित हुआ था। ध्यान दीजिए रवाई कांड, चक्रधर जुयाल जो थे उत्तराखंड का, इसे जनरल डायर माना जाता है। नरेंद्र शाह के समय ही देहरादून में टिहरी राज्य के जागरूक युवकों द्वारा 1938 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ध्यान दीजिए, अब ये भी आप लोगों को एक कार्ड बना लेना है और इसके पीछे 1938 लिख के और पीछे कार्ड में टिहरी प्रजामंडल लिख लेंगे आप लोग। मानवेंद्र शाह अंतिम 60वें राजा जो थे, और राजा मानवेंद्र शाह ने भारत में विलीनीकरण का प्रस्ताव स्वीकार किया था लास्ट जो थे, और 1 अगस्त 1949 को, 1949 को टिहरी गढ़वाल संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बनकर भारत में विलय हो गया। तो कौन सा बना था? 50वां था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मानवेंद्र शाह 1957 से 2004 तक 8 बार टिहरी गढ़वाल के सांसद निर्वाचित हुए थे। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो नेगी क्षत्रिय प्रतिनिधि हुआ करते थे, गोलदार सुरक्षा अधिकारी राजधानी हुआ करते थे, और मुख्तार महामंत्री, वजीर प्रशासन अध्यक्ष, दीवान सेनापति और बख्शी जो होते थे वो प्रेषक। आगे चलते हैं प्रादेशिक प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासनिक विभाग में मंडल, इसके प्रशासन के लिए रखे अधिकारी को हम कमीण बोला करते थे। तो कमीण क्या हुआ करते थे, आप लोग इसको लिख सकते हैं और कार्ड बना लीजिए और उसके प्रशासनिक अधिकारी आप इसे लिख सकते हैं। मंडलों के सैनिक पदाधिकारी, उन्हें फौजदार कहा जाता था। और पट्टी की व्यवस्था के लिए, जो पट्टी होते हैं गढ़वाल और कुमाऊं में कई सारी जगह पट्टी एरिया होते हैं, तो इन्हें सयाना नियुक्त किया जाता था। धार्मिक व्यवस्था, वैष्णव धर्म की अधिक अनुरक्त, यद्यपि शैव धर्म भी लोकप्रिय था। कर्मकांड का पर्याप्त प्रचार था। कुलदेवी राज राजेश्वरी मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम को सर्वाधिक गांव समर्पित इन्होंने किए थे। अजय पाल के काल में नाथ पंथ संप्रदाय शुरू हो गया था। भाषा और साहित्य की बात करें तो गढ़वाली भाषा प्रचलित थी। गढ़वाली को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। अभिलेख एवं ताम्रपत्र गढ़वाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे जाते थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पर वो है गोरखा शासन, जिसे कि मैंने अभी आपको बताया था गोरखाली शासन। हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था। एटिकेंसन ने इसे देशद्रोह का नाम दिया था और बाद में उन्होंने कुमाऊं जीत लिया था।
गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? 1791 में। यहाँ पे प्रद्युम्न शाह प्लस गोरखाओं लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, लेकिन पुनः उन्होंने आक्रमण किया था जब यहाँ अकाल पड़ा था। ठीक है, तो अकाल पड़ने के बाद में 1803 1804 में अमर सिंह थापा और सहायक ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर इनका राज हो गया था। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था 1791 और 1800 1815, और गढ़वाल पे 1804 से लेके 1815 में। ठीक है, तब संगोली की संधि हुई थी। प्रशासन बोले तो पवार समकालीन दीवान थे, वो सूबेदार हुआ करते थे। परगना शासन जो था वो फौजदार हुआ करता। न्याय व्यवस्था, निश्चित न्याय व्यवस्था तो थी नहीं यहाँ पर, बड़े अजीब तरह की इनकी न्याय व्यवस्था होती थी। और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर है आपका, दोषी निर्दोषी का निर्णय अग्नि परीक्षा से दिया जाता था, और इसे दिव्य या दीप कहा जाता था। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दीप क्या होता था या दिव्य क्या होता था। ठीक है, तो ये एक दंड व्यवस्था थी। ठीक है, और बड़ी अजीब तरह की होती थी। मृत्यु दंड साधारण सी बात थी इन लोगों के लिए, बहुत ही बुरा दौर था ये गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के लिए। विश्वासघात, गौहत्या, छुआछूत आदि के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अपराध करने पर पुरुष को मृत्यु दंड दे दिया जाता था, और स्त्री की नाक काट दी जाती थी। तो यहाँ तक आप लोगों का है। और गोरखा प्रशासन में कारागार का दंड प्राप्त व्यक्ति राजसेवक, इसे कैनी कहा जाता था। दास प्रथा व्याप्त थी। गढ़वाल के लगभग 2 लाख लोगों को इन्होंने दास बनाकर बेचा था। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो विद दिस वी एंड दिस सेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के साथ में इसे आप शेयर कर सकते हैं।